नमस्कार, स्वागत है आपका IN24 पर और आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। धनबाद के निरसा में देर रात आपसी विवाद में गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें रवि अधिकारी नामक शख्स के कंधे में गोली लगी है। घटना निरसा थाना क्षेत्र की है, जब देर रात एक शादी समारोह से कैटरिंग कर वापस घर लौट रहे रवि और उसके साथी बारिश से बचने के लिए एक जगह रुके, तभी पीछे से किसी ने गोली चला दी। गोली कंधे में फंसने के कारण घायल की स्थिति गंभीर नहीं है, लेकिन गोलीबारी की यह घटना से निरसा पुलिस के लिए चुनौती भारी है, क्योंकि घायल युवक न तो गोली चलाने वाले की पहचान बता पा रहा है और न ही किसी से विवाद की बात स्वीकार रहा है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर घायल को इलाज के लिए SNMMCH अस्पताल धनबाद भेजकर मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना घटी है इस तरह से कि हम लोग सबरे प्रीति भोज खा के हम लोग वहीं पर सूत्र में थे। एक दुकान था, शेड के नीचे हम लोग खड़े थे सब। तो मेरा दोस्त अचानक मुझे ठेला पानी के भेजने के लिए, तो जैसे ही मेरा होमी ऐसे हुआ तो हमको लगा कि कुछ लगा, हमको लगा कि मेरा हड्डी उड्डी टूट गया है। लेकिन जब बाद में मेरा दोस्त देखा कि बोला रुक रुक खून निकल रहा, देखते हैं तो पता चला कि गोली लग गया। उसका कपड़ा खोला तो देखा कि खून बह रहा है, तो तुरंत इसको कहीं अस्पताल में ले गया, प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए। ये लोग समझा कि कुछ रॉड मतलब घुसा हुआ है, लेकिन वहाँ डॉक्टर जब एक्सरे किया तो बताया कि इसमें गोली फंसा हुआ है। तो ये लोग नहीं जान रहे हैं कि गोली किसने चलाया और काहे चलाया। हम जब उनसे पूछे कि कोई दुश्मनी है तो वही लोग नहीं बताया कि नहीं, हम लोग को किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तो इसमें जाँच कर रहे हैं, FIR दर्ज हुआ है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। जख्मी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।